गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आज हम आपको इस वीडियो के अंदर माता रानी के दर्शन कराने वाले हैं, जो मैयर में स्थित शारदा माँ का मंदिर है। तो चलिए सबसे पहले नहा धोकर तैयार हो जाते हैं, फिर चलते हैं माता जी के दर्शन करने। जैसे कि आप कहीं किसी दूर दराज शहर से आते हैं, तो यहाँ पर मंदिर के पास ही कुछ छोटे छोटे सी शॉप बनी हुई हैं, वहाँ पर आपको रहने, कुछ रेस्ट करने के लिए और नहाने के लिए अरेंजमेंट होता है। तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप आइए और यहाँ पर शॉप से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मैयर मंदिर में, तो जिसकी जो सिद्धिपीठ है, मतलब क्या है, मतलब किस लिए फेमस है, तो चलिए जानते हैं। तो गौतम भाई, क्या है इस मंदिर की व्याख्या? यहाँ माता जी का हार गिरा था, जो दक्ष प्रजापति के एक में शंकर जी लेके जा रहे थे हमको, माता जी कूद पड़ी थी हमने की में, तो मैया जी का हार यहाँ गिरा था, इसलिए मैयर नाम से मशहूर है। चलिए देखते हैं कि और कैसी इसकी चढ़ाई है। सुनने में आ रहा है कि सर यहाँ की सीढ़ियाँ जो है 300 के पार हैं, बहुत अच्छी हैं। 1065 है। 1065, चलिए देखते हैं। जैसे कि हमारी जो यात्रा है वो मैयर के लिए शुरू हो गई है, और जैसे कि बताया गया हमें कि 1000 सीढ़ियाँ जो हैं इस मंदिर पर हैं, जो मैया के दरबार में पहुँचानी है। जैसे देख सकते हैं आप, हो रहे हैं हमारे पैर। चलिए देखते हैं कब तक पहुँचते हैं। साइड पे कुछ काउंटिंग नंबर दिए गए हैं, तो एप्रॉक्स 1000 फ्रेंड। क्या हुआ, थक गया? अभी 1000 बाकी भाई।
चलो 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 चलो, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, छोटा छोटा स्टेप लो। हमारे दोस्त जो है कुछ ज़्यादा थक गए हैं, तो बेटा कितनी सीढ़ियाँ पार कर चुके हम लोग? 700 की, 800 दिखा रहा है, 816। तो अभी कितनी बची? 1000 1087। चलो 1087 से 816 निकाल चुके हैं। चलो वेरी सुन, दिल्ली पार कर लेंगे हम लोग भी। ये बहुत बड़ी हालत हो रखी है, मैं चढ़ गई हूँ। क्या कहा था ये तो सिर्फ आना ही, गर्मी ज्यादा है, गर्मी ज्यादा है, स्वेट ज्यादा। हाँ ये बात तो, इम्यूनिटी ज्यादा है यार, मतलब उमर जो है। खत्म, फाइनली विनिश यार, फाइनली विनिश, 1000 सीढ़ियां पार।
दर्शन कैसे रहे आपके? बहुत बढ़िया रहे दर्शन, माता रानी का दर्शन दो बार मैंने की, बहुत अच्छा रहा, बहुत सुकून से। चलिए चलिए आगे की जर्नी शुरू करते हैं, देखते हैं कि 1000 सीढ़ी चढ़ के तुम लोग आए थे, अब वापस कैसे जाएंगे, चलिए देखते हैं। मैयर आने के दो रास्ते, एक तो सीढ़ियों से है और एक दूसरा है रोपवे, जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो इससे भी आप जा सकते हैं, फिलहाल अभी हाल फिलहाल के लिए बंद है क्योंकि इसमें कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है, तो वेरी सून वो जल्दी ओपन हो जाएगा। अब बताओ उसके झूला। तो गाइस जैसे अभी हमने आरती देखी है, ये मंदिर जो है मैया देवी का मंदिर है और ये सतना जिले के एमपी स्टेट में है। तो चलिए कुछ जानते हैं, हमारे जैसे फ्रेंड है जो पहले भी आ चुके हैं, तो मतलब यहाँ पर किस चीज़ के लिए मंदिर फेमस है, तो एक बताओ दीपक। जय माता दी दोस्तों, ये जो मैया देवी मंदिर है, यहाँ पर सती का गले का हार गिरा था, इसलिए इस मंदिर का नाम मैया रखा गया है, उसी हार की वजह से मैहर नाम पड़ा इसका। अभी हम लोग थोड़ी देर पहले नीचे गए हुए थे, एक वहाँ प्राचीन कालीन जोत जलती है जिसके कि दर्शन आरती के बाद 2 बजे के बाद होंगे, जो कि समय के अभाव के कारण हम लोग कर नहीं पाए। तो आगे का वृत्तांत हमारे गौतम भाई बताएंगे। जय माता दी दोस्तों, आप भी आइए मैहर नगरी, बहुत प्यारा दर्शन है, माँ का दरबार है, अच्छे से दर्शन कीजिए और मैं क्या कहूँ, जय माता दी। तो चलिए जैसे दर्शन हम लोग हो चुके हैं, मैंने आपको करा भी दिए हैं, तो निकलने की तैयारी करते हैं यहाँ से, और अगर बीच में कुछ रास्ते में कुछ अगर और अच्छा देखने को मिला तो आपको इस वीडियो में ज़रूर दिखाएंगे। तो ये गाइस जो देख रहे हैं, ये है आला का अखाड़ा। हाँ, ये आला उतला का नाम सुना होगा, ये बहुत ही यूपी में बहुत ही फेमस है अभी भी। चलिए जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये एक आला तालाब है, यहाँ पर आला उदल जी अपनी पहलवानी किया करते थे और उन्होंने माता शारदा को अपनी जीभा काट करके 2 बार चढ़ाई थी, एक बार उन्होंने गर्दन भी चढ़ाई थी, ठीक है। उनसे प्रसन्न होकर माता ने उनको आशीर्वाद ये दिया था कि तेरे बगैर मेरी पूजा अधूरी होगी, इसलिए पहली पूजा प्रथम पूजा जो सुबह की होती है 3 बजे 4 बजे जितने भी समय होती हो सुबह की, वो हम नहीं बता पाएंगे, लेकिन मंदिर जब भी खुलता है तो मंदिर खुलने के पश्चात आरती हुई और 2 फूल रखे हुए मिलते, दीपक जला हुआ ही मिलता मंदिर के अंदर।
अब सीढ़ियाँ उधर से मैं कितनी सीढ़ियाँ होंगी? एक छः मतलब एक छः सीढ़ियाँ बढ़ गई। तो फाइनली मैया के दर्शन हो चुके हैं, तो अभी हम लोग सीधे वापस निकलते हैं अपने कन्वेंस के लिए। चलिए मिलते हैं आपको बाइक पर। जय outdoors forever free you and me। तो गाइस आई होप कि आपको माता रानी के दर्शन बहुत ही अच्छे तरीके से हो गए हैं। तो होप करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ, जो कि है हमारा चित्रकूट।